आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। काला डूगी में भारत निर्वाचन आयोग के ने मतदाताओं को जागरूक किया। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने हर बूथ पर जाकर चुनाव में प्रयोग होने वाली 3 मशीनों की जानकारी मतदाताओं को दी। निर्वाचन आयोग के मास्टर ट्रेनर अतुल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव में 3 मशीनों के जरिए इस बार मतदान होगा। बूथ पर 3 मशीनों से मतदान होगा। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रे। ये नई मशीन इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें क्या है कि जिस भी प्रत्याशी को वोट कास्ट करेंगे, उसका वोट आपको इस वीवीपैट में दिखाई देगा और वो पर्ची 7 सेकंड के लिए इसमें रहेगी और फिर वो कट के पर्ची इसमें से नीचे गिर जाएगी। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जो हमें एक वैन मिली है, इसमें हमारा जो ईवीएम है, वीवीपैट है, रूट चार्ट के अनुसार हमारा हर गांव-गांव में जाके लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, ताकि सब लोग जो भी हमारे वोटर्स हैं इससे बहुत अच्छे से परिचित हो जाएं और अवेयर हो जाएं, किसी प्रकार की कोई भ्रांति इन लोगों में ना रहे। सितारगंज क्षेत्र के गन्ना किसानों ने सितारगंज चीनी मिल गेट पर धरना प्रदर्शन किया और चीनी मिल को फिर से चलाने की मांग की। वहीं चीनी मिल के मुख्य गेट पर उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और चीनी मिल प्रबंधक आर के सेठ ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बात की। वहीं किसानों की मांग को सुनते हुए किसानों और चीनी मिल के प्रबंधक ने गन्ने को डाइवर्ट करते हुए कच्चा और बाजपुर भेजने की पर सहमति जताई है। इसके बाद किसानों ने चीनी मिल के मुख्य गेट से धरना प्रदर्शन खत्म किया। वहीं चीनी मिल प्रबंधक आर के सेठ ने बताया कि चीनी मिल 4 सालों से बंद होने की वजह से चीनी मिल में तकनीकी समस्या आ रही है और इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। चलाने के लिए हमारे जीएम साहब और टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे आ गया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। मन में यही है कि जो है चीनी मिल हो सुचारू रूप से चले, जो किसानों अपने गन्ना लेके आए हैं वो वापस ना हो, जो कि जिसके लिए पहले ही आदेश हो चुके हैं अन्य चीनी मिल के लिए। तो और मुझे लगता है कि आज ही जो है वो जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं वो आज सॉल्व हो जाएंगे और फिर ये प्रॉपर रूप से चलती रहेगी। मिल के उद्घाटन के पेराई सत्र शुरू करने के बाद से नियमित रूप से मिल नहीं चल पाई है, इसलिए इनको हमारे कृषक बंधुओं को दिक्कत हो रही है, जिसको कि शासन ने भी संज्ञान में लिया है। पहली बार में केवल जो तौल किए हुए गन्ने को किच्छा चीनी मिल को डाइवर्ट किया था, लेकिन प्लांट अभी तक रेगुलर नहीं हो पाया है, इसलिए पूर्व की भांति जो सेंटर बाजपुर को और जो किच्छा को अलाट थे उसके लिए किरायादेश अब शासनादेश शासन केन कमीशन सामने जारी कर दिया गया है। से मुख्यमंत्री पुरखे सिंह धामी जी ने जब ये स्टेटमेंट दिया था कि ये चीनी मिल चलेगी तो किसान खुश हो गए थे काफ़ी कि इतने सालों से बंद चीनी मिल है, कम से कम हमारा गन्ना जो हम छोड़ते जा रहे थे खेती करना उसको फिर से लगाएंगे और जो किसानों ने लगाया था गन्ना वो भी खुश थे कि हमारा गन्ना टाइम से निकल जाएगा। बाढ़ आने से किसान का धान काफ़ी ख़राब हुआ था, उसने सोचा था कि टाइम से गन्ना निकाल के हम गेहूँ बोएंगे, लेकिन वही चुनावी जुबना ही साबित हो गया है। 15 पिंडर घाटी का सुप्रसिद्ध चौपता कौथिक अपने चरम पर है और हर दिन माता के भक्तों का यहां दर्शन के लिए हुजूम उमड़ रहा है। बता दें कि उत्तरी कड़ाकोट पट्टी के चौपता चौरी में गिरिजा भवानी राज राजेश्वरी सिद्धपीठ पे अष्टमी पर माता के भक्तों और मेलार्थियों का खूब भीड़ देखने को मिली। जानकारी के लिए बता दें कि चौपता चौरी कौथिक में श्रद्धालुओं का अटूट आस्था और श्रद्धा है। लोग यहाँ दूर दूर से अपनी मनौतियों को लेकर आते हैं। कहते हैं कि यहां आकर दुखों का अंत होता है और यह मेला प्रत्येक 3 साल में आयोजित होता है। इन दिनों उत्तरी कड़ाकोट के गांव में खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। यहां पर माँ गिरिजा भवानी का जो सिद्ध पीठ है चौथा चौरी के नाम से गिरिजा भवानी का मंदिर है और दूसरा यहां पर गुरु गोरखनाथ की जो धुनी है, तो यहां पर पड़वा से लेकर के नवमी की तिथि तक पूजा अर्चना होती है। दशमी को महायज्ञ यहाँ पे होता है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जिस भाव से आता है, कहते हैं यम यम चिंतित कामम तम तम प्राप्तो निश्चितम, जो जिस भाव को लेकर के आता है पुत्र की कामना।
खाना लेकर के कोई आता है उसको पत्र मिलता है। कोई भी सामग्री खरीदनी हो तो यही मार्केट में हर चीज़ की व्यवस्था मिल जाती है और उनको कोई परेशानी नहीं होती है। प्रसाद फूल पुष्प व्यवस्थाएँ सब यही मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं जिससे कि देवी की कोई परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा हमारे इस मेले के दौरान जो भंडारे लगते हैं वो हमारे कई पर विद्वान लोगों द्वारा अपने परिवारों की ओर से अपनी आवश्यकताओं के आधार पर जो है भंडारे लगाए जाते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भराड़ी सैंड स्थित तो विधानसभा परिसर पहुंचे, जहां पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्यता से स्वागत किया। उन्होंने भराड़ी सैंड विधानसभा के सीडीएस जनरल विपिन रावत को वहां पर श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि विपिन रावत का पहाड़ की माटी से और यहाँ के लोगों से बेहद खास लगाव था, इसलिए मैं यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भराड़ी सैंड में हमारा कार्यक्रम पूर्व से था, लेकिन सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौत के बाद हमने यह कार्यक्रम सूक्ष्म किया। आगे भराड़ी सैंड को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार यहां की उपेक्षा कर रही है, सत्र न कराने के लिए ठंड का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो ठंड ही है ही नहीं। हम लोग यहाँ पर जनरल विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने और परिसर जो हमारा विधानसभा का है उस परिसर में जाकर ये एहसास कराने, क्योंकि आप जानते हैं जनरल विपिन जी का उत्तराखंड से, यहाँ की धरती से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के परिवेश से बड़ा प्यार था, बहुत लगाव था। वो केवल बेटे ही नहीं थे बल्कि एक समर्पित बेटे थे इस धरती के लिए। तो हमारी आज की सरकार ने ये कहा है कि गैरसैंण भराड़ी सैंण में ठंड लगती है, तो हम ये कहने के लिए आए हैं नहीं, यहाँ ठंड नहीं लगती है, ये वो धरती है जिसने जनरल बिपिन रावत जैसे सपूत को दिया है और हम उनको श्रद्धा नत भाव से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। विधानसभा पूरी करती है जिससे कि उत्तराखंड की राजधानी बन सके, लेकिन दुर्भाग्य से इस बीच जब हमने कार्यक्रम तय किया, इस कार्यक्रम में बहुत से लोग शामिल होने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस बीच हमारे बहुत ही लाडले और एक वीर योद्धा इस भूमि में जिन्होंने जन्म लिया, हमारे जनरल विपिन रावत जी जो कि तीनों सेनाओं के मुखिया थे, दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं रहे। वही अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में काफी सक्रिय नजर आ रही है। आपने प्रदेश में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की, इसके तहत आप नेता पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराने के लिए उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश नेगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं को तैयार किया है। वही आपको बता दें कि राजू सिंह नेगी ने आगे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता के साथ किए हुए वादों को पूरा किया है, ऐसे में एक बार जरूर जनता उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को मौका दे। और आज हमारी जो पूरी टीम थी अभी यहाँ पर हरिद्वार रोड पर जनसंपर्क कर रही है लगातार, जो हमारी पार्टी की जो घोषणाएं हैं जिसमें कि 300 यूनिट बिजली को लेकर, हर घर रोजगार को लेकर और हाल ही में एक बड़ी घोषणा हुई तीर्थ यात्रा को लेकर, उसकी जो जानकारी है लोगों के सामने हम रख रहे हैं। और साथ ही जो ऋषिकेश में जो पिछले 20 से 21 वर्षों में जो ऋषिकेश पिछड़ता चला गया है, तो नया ऋषिकेश और उत्तराखंड नवनिर्माण का जो सपना हमारी पार्टी ने देखा है उसको लेकर हम लोग आज यहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को आम आदमी पार्टी की जो हरिद्वार के विधानसभा रानीपुर में कांग्रेस की दावेदारी कर रहे तेलू राम प्रधान ने बढ़ती महंगाई, विकास, बेरोजगारी को लेकर कहा कि भाजपा सरकार एक निकम्मी सरकार है जो देश को लूटने का काम कर रही है और भाजपा सरकार में महंगाई बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। आज के समय में युवाओं को इस सरकार की जरूरत नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार जो है वो रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। वही अब भाजपा सरकार भगाओ और कांग्रेस लाओ का नारा देना चाहिए। देखिए, विधानसभा रानीपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, देहात भी आता है, व्यापारिक वर्ग भी आता है और मेरी लगभग सभी लोगों में पहचान है, पकड़ है, संपर्क है। और मैं 1992 से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, जब मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी रहा, और 2000
साथ में मैंने पहली बार जब टिकट मांगा तो उससे मैं कह दिया कि उमर का मैं भी आप लगे मेहनत कीजिए। फिर मैंने 2012 में दोबारा आवेदन किया, उसमें यूथ कांग्रेस का लोकसभा क्षेत्र का मैं अध्यक्ष रहा, तब मुझे कहा कि उस समय बलवंत सिंह चौहान जी को टिकट दिया कि सीनियर है इनको जिताओ, आप अभी युवा हैं। फिर 2017 की नंबर बात आई तो अनुभव की बात आई कि भाई हमारे पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय श्री अमरीश कुमार जी, उस समय उनको टिकट दे दिया गया, मैं तब भी रह गया। अब की बार 2022 में मेरी स्थिति मजबूत है, वोट बैंक मेरे साथ हैं और मैं। तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस विपिन रावत समेत उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की मौत पर सात पत्तियों के केंद्रीय स्थल गजौ में क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने सीडीएस विपिन रावत को देश का महान सपूत, राष्ट्र कर्तव्यों के लिए समर्पित, युद्ध कौशल में माहिर और शानदार बताया। पूरे देश के लिए और विशेषकर उत्तराखंड के लिए तो बहुत बड़ी पीड़ा का दिन है कि आज हमारे बीच में हमारे देश के सीडीएस जनरल विपिन रावत जी नहीं रहे। हम पूरे नरेंद्र नगर की ओर से, पूरे अपने इस टिहरी गढ़वाल की ओर से, उत्तराखंड की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि स्वर्गीय विपिन रावत जी को और उनके साथ जो अन्य हमारे सैन्य अधिकारी और जो सैन्य कर्मी शहीद हुए हैं उनको भी जो है श्रद्धांजलि देते हैं, स्वर्गीय विपिन रावत जी की पत्नी को भी श्रद्धांजलि। वहीं चमोली में एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर सीमांत विकास खंड जोशीमठ में एनएचएम कर्मचारी पिछले 3 दिनों से आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन अब तक अनिश्चितकाल के कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया है और सरकार की तरफ से अभी तक इन्हें कोई मदद नहीं दी गई है। और हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 दिन से कार्य बहिष्कार पे बैठे हुए हैं और हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को हरियाणा की तर्ज पे ग्रेड पे दिया जाए और जो आउटसोर्स से भर्ती की जा रही है उसको रद्द किया जाए। हम लोग यहाँ पे, मैं तो कम से कम 2011 से यहाँ पे काम कर रही हूँ और 10 साल मुझे यहाँ पे कंप्लीट हो गए काम करते करते। जो उसमें ब्लॉक का कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे हम नहीं गए हैं। कोविड के दौरान हर जगह हमारी ड्यूटी लगाई जाती है और बरसात के टाइम पर ऐसे ऐसे रास्ते से हम जाते हैं जहाँ की पत्थर गिरते हुए रहते हैं और हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं, पीछे इतने बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं। हम अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरा काम हम लोग अपने तन मन धन से कर रहे हैं। अपने घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके घर से बहुत दूर रहते हैं और सभी जगह हम जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार हम लोगों की सुध नहीं। वही चमोली में सरकार देश के प्रत्येक उन्नतशील किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वही अब सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू कर रही है। इसके तहत जोशीमठ पालिका पोटा सभागार में पशुधन केसीसी के कैंप का आयोजन किया गया। पशुधन केसीसी बनाने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी चमोली को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। परियोजना है जिसमें पशुपालक और मत्स्य पालक जो भाई बहन हैं उनको केसीसी का लाभ दिए जाने के संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, एलडीएम, मत्स्य विभाग के अधिकारी और नाबार्ड के अधिकारी, ये प्रत्येक सप्ताह में एक दिन जगह जगह जाकर के कैंप लगाएंगे और वहां पे लोगों को केसीसी के बारे में जानकारी देंगे और उनके आवेदन। वही देहरादून में मुख्यमंत्री कार्यालय से एसपी बागेश्वर को चालान निरस्त करने के मामले में भेजी गई चिट्ठी ने प्रदेश सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सीएम धामी ने पीआरओ को हटा दिया है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस कार्यवाही के साथ ही यह साफ हो गया है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी वह सही से मुख्यमंत्री के आदेश पर अवैध खनन के ट्रक को छोड़ने की चिट्ठी लिखी जाती है। देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है। मैंने कहा ना कि सत्र की अवधि बहुत कम है और इस कम अवधि में तमाम विषयों को सदन में उठा पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी महंगाई को लेकर के, अतिथि शिक्षकों को लेकर के, इसके साथ साथ जो है जिस तरीके से पर्यटन के ऊपर सरकार प्रहार करने का काम कर रही है, पलायन को रोकने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही तमाम। अगली खबर कलियर से है जहां पर विधानसभा से वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता मौसम अली अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव को लेकर बातचीत की और साथ ही विधानसभा कलियर के गांव जाकर जनसंपर्क अभियान भी चलाया।
देखिए, मेरा तो हमेशा से यही हिसाब रहा है, जब से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, मैंने हमेशा से जनहित के कार्य किए। मेरे क्षेत्र की जनता बखूबी जानती है, कभी कोई भी मुद्दा हुआ है जनहित का तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सौजन्य से मौसम अली ने उठाया। मेरे क्षेत्र की जनता बखूबी जानती है कि मौसम अली एक मेहनती कार्यकर्ता है, और मेरी मेहनत को देखते हुए समाजवादी पार्टी के हमारे उत्तराखंड प्रभारी माननीय राजेंद्र चौधरी साहब से हमारी मुलाकात हुई। लखनऊ हम गए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप कलियर विधानसभा से चुनाव लड़िए, आप आवेदन कीजिए। तो उनके आह्वान पर, उनके कहने पर हमने जो है चुनाव लड़ने की तैयारी की है, दावेदारी की है। अगर पार्टी हमको टिकट देती है, इस लायक समझती है, तो हम जी जान से अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे। वही मसूरी में एक पीड़िता की ओर से एक शिकायती पत्र जारी किया गया है, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ पहले तो बलात्कार किया, वहीं जिस पर पुलिस ने धारा 376 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया और पीड़ित के मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराए गए। विवेचना महिला उप निरीक्षक पिंकी पवार थाना कैंट की तरफ से आरम्भ की गई। कल एक पीड़िता आई थी थाने पर, जिनके द्वारा किसी सहकर्मी द्वारा उनके साथ बलात्कार करने की शिकायत की थी। उसके संबंध में उस पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा लिखा गया है और महिला का मेडिकल करा करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। जिस तरह से साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये 376 आईपीसी के तहत अभी मुकदमा दर्ज किया गया है। वही नरेंद्रनगर में 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। टिहरी जिले के थाना नरेंद्रनगर के पास एक गांव में रहने वाले मजदूर ने एक मासूम को अपने हवस का शिकार बना लिया। मासूम ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद मासूम की मां ने नरेंद्रनगर थाने में इस पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस ने मासूम के बयान के आधार पर उसका मेडिकल परीक्षण करवाया। रिपोर्ट में मासूम के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक महिला द्वारा थाना नरेंद्रनगर में आके सूचना दी गई कि उनकी 8 वर्षीय पुत्री के साथ, बालिका के साथ बलात्कार की घटना हुई है और जो आरोपी है उसको थाना नरेंद्रनगर पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार करके इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो तथा आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और महिला उप निरीक्षक द्वारा इसमें विवेचना प्रचलित है। इसमें आप सभी से अपील है कि किसी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं को प्रचारित प्रसारित ना करें, अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका। पहाड़ की शांत वादियों में भी दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हम आपको बताएं कि नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहां समीप के ही एक गाँव में एक व्यक्ति जो बाहर का रहने वाला था और गाँव में दिहाड़ी मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता था, उसने पड़ोस की ही एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और पुलिस को तत्काल गांव के लोगों ने सूचना दी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है धारा 376 और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। लोगों का कहना है कि ऐसे दुष्कर्म वाले व्यक्तियों को फांसी से कम सजा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि जो बाहर के लोग जो यहाँ क्षेत्र में रह रहे हैं उनका सत्यापन किया जाए और ऐसा व्यक्ति चाहे कहीं का भी हो, कोई भी हो, उसको फांसी से कम सजा ना हो। मैं वासवती रयाल, नरेंद्र नगर। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।